Hi guys, I'm back. मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड दीपिका की दुनिया में आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा वेलकम देने के लिए, पहले वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए. एंड आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि मैंने मेहंदी का जो पूरा है वो थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, कौन कैसे बनाना है, कैसे लगानी है, तो आज मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ. सो चलिए मेहंदी लगाते हैं. अभी काफ़ी वक्त हो गया है और अभी काफी टाइम हो गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो साइड में पूरा ऑयल है वो प्रॉपर ऑरेंज कलर का है, मतलब हमारी मेहंदी ने बहुत ही खूबसूरत रंग छोड़ा है. सो स्टार्ट करें. मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लिया है मैंने. मेहंदी का कोन बनाने के लिए सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ दूध का पैकेट लिया है मैंने. ये ऑब्वियसली बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है. इसको अच्छी तरह से धो के और जब आप कट करेंगे तो ध्यान रखना ये पैकेट इस तरह से होता है और यहाँ पे जॉइंट होता है, तो वो जॉइंट को ही आपको कट करना है, वरना वो जॉइंट अगर आपके कोन के बीच में आएगा तो आपका कोन खराब हो जाएगा, इसीलिए उस तरह से. एंड ये मैंने गलती कर दी कि मैंने दूध निकालते हुए इसको ऐसे काट दिया, आप ऐसे काटेंगे तो और अच्छा है. सो दूध का पैकेट अच्छी तरह से धो के सुखा के, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए. एक सीजर, सेलो टेप, इसको इसमें डालने के लिए स्पून या बटर नाइफ, जो भी आपको चाहिए. स्टार्ट करते हैं. वैसे तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, एक्चुअली मुझे ट्राई करना था कि मेहंदी सही जमती है नहीं, होता है कलर आता है नहीं आता है. एंड जैसा मैंने आपको कहा था इस पर हल्का सा स्टेन आ जाएगा, तो ये हमारी मेहंदी अच्छी तरह से रेडी है. तो हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि वैसे तो मैंने ट्रायल एंड एरर के लिए अपने हाथ पे मेहंदी लगा ली थी, लेकिन ये अभी थोड़ी सी डल हो गई है तो मैं इसको दोबारा लगा लूंगी, क्योंकि ईद के लिए तो मेहंदी लगानी है. तो बचपन से ये सब टिपिकल लड़कियों वाले शौक बहुत ज्यादा रहे हैं. मेहंदी मैंने लगाना सीखा था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 8th की जब समर हॉलीडेज थी पुणे में, तब मैंने मेहंदी लगाना सीखा था और मैं जाती थी. एंड इट वॉज अ सोर्स ऑफ पॉकेट मनी फॉर मी. फिर जब मैं अच्छा खासा लगाने लग गई थी तो मेरी जो मेहंदी टीचर थी उनको जब ऑर्डर्स मिलते थे तो मुझे साथ में लेके जाती थी, तो वो मुझे पार्ट्स बना के देती थी और मैं अंदर फिलिंग करती थी, तो वो मेरे पॉकेट मनी का बहुत अच्छा खासा सोर्स था. मैंने ये सब बहुत किया है. मैं थर्मोकॉल की कार्टून्स बनाती थी, अगर आपने मेरे को इंटरव्यू देखे होंगे तो मैंने कईयों में मेंशन भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब. एंड मैं देखती हूँ वैसे कई आप लोग भी बहुत अच्छी मेहंदी बनाते हैं. एंड हाँ, अभी मेरी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है, ऑब्वियसली इतने साल हो गए हैं, बट आई थिंक ठीक ठाक लगा लेती हूँ. सो अभी हम कोन बनाते हैं. और अंदर जो यहाँ का एक वाला है उसको आपको अंदर बाहर करके एडजस्ट करना है कि आपको आपका कौन का जो टिक है वो फिट है. सो मेहंदी जो मैंने बताया था कि जब भी आपको बनाओ तो ऐसा होना चाहिए कि आपने जरूरत पड़ता है वो मेहंदी थोड़ी खराब जाती है. किसी ने लास्ट वीडियो में बहुत स्वीटली कमेंट किया है कि यस क्लोव ऑयल इज डज वर्क, सो थैंक यू सो मच. मैं नेक्स्ट टाइम जब मेहंदी भिगोऊंगी तो मैं डेफिनेटली क्लोव ऑयल ट्राई करूंगी. सो कोन रेडी है, मैंने अच्छी तरह से इसको टेप लगा के पैक कर दिया है. अब इसको फिल करेंगे. इसी
वैसे हम लोगों के लिए चीजें इतनी कन्वीनियंट हो जाती है ना, क्योंकि सारी चीजें बाहर मिल जाती हैं, तो हमको आदत हो जाती है हर चीज बाहर से लेने की। लेकिन घर पे खुद चीजें बना के उनको यूज करने का और फिर उनका रिजल्ट देखने का मजा ही कुछ और है। एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। हम अब भी उसी मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग हैं कि वो छोटी छोटी सेविंग्स, वो छोटी छोटी मेहनत करके खुद से जो चीज़ों के रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये मैंने कोन जो है वो मेरा रेडी हो गया है पूरी तरह से। इसको पैक करना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से, एंड अभी मैं इसी के ऊपर एक क्यूट सी कोई डिज़ाइन। सो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ नहीं, वहाँ आराम से बैठ के गोद में कुशन लेके उस पर हाथ रख के फिर लगाती हूँ ताकि थोड़ी और अच्छी लगे। वैसे ही प्रैक्टिस नहीं है। ओके चलो। अभी आज मैं कोई डिज़ाइन देख के नहीं बना रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इसकी हल्की हल्की छाप है, तो मैं सिर्फ सेंटर पकड़ के एक अरेबिक काइंड का डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एंड इसीलिए मैं कुछ देख नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसमें ब्लेंड करना है। और अगर देखने बैठो तो एक अच्छा नहीं लगता, फिर दूसरा अच्छा नहीं लगता, तो बहुत वक्त हो जाता है, इसलिए। अरे वाह, नॉट बैड दीपिका, काफ़ी स्मूथ और अच्छे से निकल रही है मेहंदी। मतलब मैंने सारा काम ढंग से किया है, मैंने भिगोई भी अच्छे से है, एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये वाली जो पाउडर्ड मेहंदी मैं लेके आई हूँ वो बहुत ही अच्छी है, तो इसीलिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा अनॉइंग होता है अगर आपका कोन जो है वो सही ना हो, क्योंकि एक तो आप स्ट्रगल कर रहे होते हो अच्छी मेहंदी लगाने, डिज़ाइन लगाने के लिए, ऊपर से अगर कोन खराब हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लगाऊं, तो मैं वापस यही रिपीट कर देती हूं। आई थिंक फ्लावर एंड ये अंबी, मैं इसे अंबी बोलती हूँ, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो। ये सबसे ज्यादा टिपिकल एंड सबसे कन्वीनियंट मेहंदी ऑप्शन होता है ना, तो आप सब लोग ये तो जानते हो कि मुझे मेहंदी लगाना कितना कितना पसंद है। लास्ट ईयर शूट की वजह से जब मैं नहीं लगा पाई थी तो आप में से कितने लोगों ने अनगिनत मैसेजेस किए थे कि क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई। बट जब शूट चल रहा होता है तो हम नहीं लगा पाते, ऑब्वियसली इट्स प्रोफेशनल रीजंस, क्योंकि शो में अगर कंटिन्यूटी ना हो तो अच्छा नहीं लगता, कैरेक्टर वाइज गलत हो जाता है। तो मुझे तो जब जब मौका मिलता है, जैसे ही मैं किसी शूट से फ्री होती हूँ या अगर मैं घर पे होती हूँ, अगर कोई रीज़न ना भी हो तो मैं ऐसे ही मेहंदी लगवा लेती हूँ, मुझे बहुत बहुत पसंद है। और मुझ में इतना पेशेंस है कि मैं किसी अच्छे को ढूंढ के अच्छे से अच्छी डिज़ाइन बनवाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर मेरी मेहंदी कोई ख़राब लगा दे तो। आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या? इज़ योर लव फॉर मेहंदी सो क्रेजी? और इस बार जैसे हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तैयारी कर ली होगी, तो क्या किया है, कैसे किया है, प्लीज़ कमेंट्स में थोड़ा बताइए, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। इसे मेहंदी आने का फायदा तो है कि आप कभी भी जब भी आपका मन करे तो आप लगा सकते हो, थोड़ा सा नुकसान भी है ना क्योंकि जिसे आती है उसकी ड्यूटी लगेगी कि घर में सबको लगाना है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब और कोई ऑप्शन नहीं है तो लगाना ही पड़ेगा। सो अभी मैं मुझे ये तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आई थिंक इसमें कुछ कुछ और करना चाहिए ना हमको। सो मैं यहाँ से एक लाइन लूंगी। शूट चल रहा होता था और शूट पे कोई भी ऐसा मौका मिलता था ना कि कोई शादी हो रही है या तो मेरी या किसी और की शादी हो रही है तो मेहंदी लगा सकते हैं, तो मतलब मैं तो इसे पागलों की तरह और
मैं स्पेशली बोलती थी प्रोडक्शन वालों की कि उनको बुलाना, वो अच्छी मेहंदी लगाती हैं। अब जैसे ससुराल सिमर का शूट कर रही थी मैं एंड फलक जो थी उसकी शादी हम लोग शूट कर रहे थे, जो ऑन स्क्रीन प्रेम की सिस्टर प्ले कर रही थी उसकी, एंड फलक भी मेहंदी के लिए उतनी ही पागल है जितनी कि मैं। तो हम दोनों ने पहले ख़त्म किया सीन, पूरा ख़त्म करवा लिया कि आप शूट कर लो, उसके बाद हम दोनों आंटी को पकड़ के एक एक कोने में बैठ गए कि अच्छे से सुकून से लगाओ ताकि खूबसूरत लगे। और फिर मेहंदी लगाना तो एक चीज़ है, लेकिन उसके कलर आने के लिए जो मेहनत होती है वो एक अलग चीज़ होती है, वो भी करनी पड़ती है। तो वो भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि ये मेहंदी जो मैंने भिगोई है ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो आपको इसे रखना होगा 5-6 घंटे, उसके बाद उखाड़ने के बाद इसे भीगने नहीं देना है कम से कम 13-14 घंटे। सो या ऑल द बेस्ट। ऐसे आके स्टैचू की तरह बैठ गए हो, लगाओ लगाओ। हाँ लाओ, आपको भी लगाऊं? बड़े प्यार से निकाह के वक्त इन्होंने लगवा लिया था दीपिका अम्मी के कहने पे। ऐसे में मैं बहुत बहुत लकी हूँ, अम्मी बड़ी प्यारी हैं, ये सारी चीजें अम्मी बोल देती है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी अम्मी का बस चलता तो उस दिन डिजाइन भी बनवा देती इनके हाथ पे, बट वो बच गए थोड़ा शो में। एक्चुअली ये फायदा है हमारे घर में 3 लेडीज होने का, सबा अम्मी और मैं, जब हम तीनों एक हो जाते हैं तो ये बेचारे जरा फंस जाते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है। वो माँ से कोई नहीं जी सकता, बहन से कोई नहीं जी सकता, फिर बीवी तो फिर, तो इसलिए चुप रहना ही बेटर। करेक्ट, द की टू हैप्पीनेस। अभी मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है, मैं इससे ज्यादा इसमें कुछ करके उसको कचरा नहीं करूंगी, सिर्फ ऊपर तुम लगाओ, मैं जरा सो रहा हूं। ओके मैं जा रहा हूं सोने। बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपके टिप्स अच्छे से भरे हुए ना हो और अच्छे से कलर ना आया हो तो आपकी पूरी मेहंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए इसको बहुत प्यार से वक्त लगा के करें, और यूजुअली ये हम सब ऐसे चलते फिरते छोड़ देते हैं। ओके एंड वी आर डन। मैंने बहुत ही सिंपल सी अपनी तरफ से ट्राइड एंड टेस्टेड डिजाइन बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। सो दैट्स इट। देखा जाए तो आज की डेट में जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आए दिन हमें कुछ बहुत प्लेजेंट खबरें नहीं, अनप्लेजेंट खबरें ही सुनने मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ही घर में रह के ये आपस में ही जितनी छोटी छोटी खुशियाँ बटोर सकें उतना ही बहुत स्पेशल होगा। एटलीस्ट हम खुश रहें मेंटली, हमारे परिवार वाले खुश रहें, तो हमें थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी टू एक्चुअली डील विद द सर्कमस्टांसेस जो आजकल हैं। सो एंड ऐसी सारी चीज़ें मुझे तो बहुत खुशी देती है। आई थिंक मेहंदी एप्लीकेशन एक बहुत अहम हिस्सा होता है किसी भी चीज़ में रेडी होने का, या ईद का स्पेशली बहुत ही एक स्पेशल हिस्सा होता है। तो आप सब लोग प्लीज़ अपने अपने घर पे ईद अच्छे से मनाइए, एंड आप सबको एडवांस में ईद मुबारक, और अच्छे से बाद में दोबारा विश करूँगी पूरी फैमिली के साथ, एंड लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, खूब सारी मेहंदी लगाइए, फोटोज़ खींचिए और शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, करो।